हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें, जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर रूस के मिलिट्री एयरबेस पर अटैक एक के बाद एक हुए कई धमाके, बहुत बड़ी खबर दोस्तों। इसी बीच आपको बताएंगे, जहां पर चीन के मुकाबले की बड़ी तैयारी, जो बाइडेन ने सेमी कंडक्टर को लेकर ऐतिहासिक बिल पर कर दिया है हस्ताक्षर, बताएंगे कैसे चीन को देंगे अब कड़ी टक्कर। जी हाँ दोस्तों, साथ ही आपको बताएंगे जहां पर भारत के देश को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की साजिश का पर्दाफाश। जी हाँ दोस्तों, धर्मांतरण के लिए विदेशों से आ रही है फंडिंग। जी हाँ दोस्तों, बताएंगे किस देश को लेकर यह बड़ी खबर दोस्तों। इसी बीच हम आपको बताएंगे, जहां पर नीतीश कुमार के अलग होते ही दोस्तों बीजेपी ने ना उनको रोका ना उनको मनाया, बताएंगे दोस्तों आखिर एग्जिट प्लान जानते हुए भी बीजेपी ने क्यों नहीं की नीतीश कुमार से बात। सबसे बड़ा खुलासा हुआ है दोस्तों, जो हम आपको भी बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले, हमेशा की तरह मानते हैं कि मोदी जी का हर घर तिरंगा अभियान सबसे बेहतरीन अभियान है दोस्तों, और मोदी है तो हर चीज मुमकिन है। तो इस वीडियो का भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो बढ़ते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पर दुबई से बड़ी खबर। मुस्लिम देश यूएई में बन रहे भव्य हिंदू मंदिर पर बड़ा महाभारत, कट्टरपंथी हुए नाराज, आखिर क्या है पूरा मामला बता दे। संयुक्त अरब अमीरात के दुबई शहर में बन रहे भव्य हिंदू मंदिर पर सोशल मीडिया में महाभारत शुरू हो गई है दोस्तों। दुबई के इस आलीशान मंदिर में 16 देवी देवताओं की मूर्तियों को रखा जाएगा। इस मंदिर का 4 अक्टूबर को शानदार तरीके से अनावरण किया जाएगा। मुस्लिम देश यूएई में हिंदू मंदिर बनने की खबर सोशल मीडिया में आने के बाद घमासान मच गया है दोस्तों, और कट्टरपंथी इसका जमकर विरोध कर रहे हैं। तो वहीं हिंदू समुदाय के लोग यूएई के इस कदम की जमकर तारीफ कर रहे हैं। जी हाँ, खलीज टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक दशहरा के दिन 5 अक्टूबर को इस मंदिर को दुनिया के लिए खोल दिया जाएगा। सिंधु गुरु दरबार मंदिर के एक ट्रस्टी राजू श्राफ ने इसकी पुष्टि की है दोस्तों। इस मंदिर को दुबई के जेबेल अली इलाके में बनाया जा रहा है। इसी इलाके में एक सिख गुरुद्वारा और कई चर्च भी मौजूद है। इस मंदिर के अनावरण के दौरान यूएई सरकार के अधिकारी और विशिष्ट अतिथि मौजूद रहेंगे, और इस मंदिर में शादी, हवन और अन्य निजी कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। बहुत बड़ी खबर दोस्तों, बता दें इसी खबर को सुनने के बाद कट्टरपंथी भड़क उठे हैं दोस्तों। फैसल खान ने लिखा है, बीजेपी के अतिवादी हिंदू भारत में मस्जिद को नष्ट कर रहे हैं, और यूएई के लोग देश में हिंदुओं के लिए मंदिर बना रहे हैं। आपके राजा को कितने पैसे की जरूरत है, बिजनेस हित इसके पीछे है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि अब कट्टरपंथी इस मंदिर के खोले जाने के विरोध में उतर कर निकल कर सामने आ रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, आप लोग इन कट्टरपंथियों को क्या जवाब देना चाहेंगे कमेंट में लिख कर जरूर बताइएगा दोस्तों, और इस मंदिर को लेकर आपकी क्या राय होने वाली है सुझाव जरूर दीजिएगा। आप सभी से रिक्वेस्ट, वीडियो को अधिक से अधिक व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, और लाइक करना मत भूलिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पर क्या रशिया के मिलिट्री एयर बेस पर हुआ अटैक, एक के बाद एक हुए कई धमाके। जी हां, रशिया के क्रीमिया स्थित एयर बेस के पास एक के बाद एक कई धमाके होने की खबर से सनसनी फैल गई है। एयरबेस के आसपास मौजूद स्थानीय लोगों ने कई धमाके सुनने का दावा किया और कहा कि एयरबेस से काला धुआं उठता दिखाई दिया है। रशिया यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के बीच एयरबेस पर हमले की बात सामने आई है, लेकिन रशिया ने धमाकों के पीछे की वजह एयरबेस पर मौजूद गोला बारूद में विस्फोट होना बताया है दोस्तों। रूसी रक्षा मंत्रालय का एयरबेस पर हुए धमाके पर बयान सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि क्रीमिया में साकी एयरबेस पर विस्फोट हुए हैं, और एयरबेस पर भारी मात्रा पर गोला बारूद मौजूद था जिसमें धमाके हुए हैं। जी हां, जोरदार धमाकों के आसपास रहने वाले लोगों को लगा है कि एयरबेस पर हमला हुआ है। बता दें आपको बड़ी खबर दोस्तों, जहां पर रूसी टीवी चैनल ने रूसी परमाणु संयंत्र में बमबारी के बाद अमेरिका और ब्रिटेन पर परमाणु हमले की दे दी है धमकी। जी हां, यूक्रेन के जापोरिजिया परमाणु संयंत्र पर पिछले हफ्ते 2 बार हुई गोलाबारी ने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है दोस्तों। यूक्रेन इस गोलीबारी को लेकर रूस की आलोचना, तो वहीं रूस इसके लिए यूक्रेन पर दोष लगा रहा है। यूक्रेन का कहना है कि एक बार फिर से चेर्नोबिल हादसा दोहरा सकता है, तो वहीं रूस का कहना है कि यूक्रेन ये संयंत्र खोलकर परमाणु तबाही का जोखिम उठा रहा है। तो वहीं इस बीच एक रूसी चैनल पर पैनलिस्ट ने अमेरिका और ब्रिटेन पर परमाणु हमले की धमकी भी दे दी है दोस्तों। बता दें, यूक्रेन के इस परमाणु संयंत्र पर
शुक्रवार और शनिवार को रॉकेट हमले हुए थे। इन हमलों में संयंत्र में आग लगी, लेकिन उस पर जल्द ही काबू पा लिया गया था। रशिया और यूक्रेन की सेनाओं ने एक दूसरे पर इन हमलों के आरोप लगाए। रशिया ने कहा है कि परमाणु संयंत्र और उसके कब्जे वाले अन्य इलाकों पर यूक्रेन की सेना लगातार गोलाबारी कर रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां पर चीन से मुकाबले की बड़ी तैयारी, जो बाइडेन ने सेमीकंडक्टर को लेकर ऐतिहासिक बिल पर किए हस्ताक्षर। जी हां, राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मंगलवार को अमेरिकी सेमीकंडक्टर उत्पादन और अनुसंधान के लिए सब्सिडी में $52.7 बिलियन प्रदान करने और अमेरिका को चीन के मुकाबले अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में एक ऐतिहासिक बिल पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। दोस्तों, जो बाइडेन ने कहा है दोस्तों कि भविष्य में ये सेमीकंडक्टर अमेरिका में बनने जा रहा है। अमेरिका में ये सदियों में एक बार किए जाने वाला निवेश है। जो बाइडेन ने कहा कि चिप कंपनियां निवेश कर रही हैं। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि अमेरिकी वाणिज्य विभाग अनुदान की समीक्षा के लिए नियम कब लिखेगा और परियोजनाओं में कितना समय लगेगा। कुछ रिपब्लिकन चिप्स बिल पर हस्ताक्षर करने के दौरान व्हाइट हाउस के लॉन्ग में जो बाइडेन के साथ मौजूद थे। माइक्रोन, इंटेल, लॉकहीड मार्टिन, एचपी और एडवांस माइक्रो डिवाइसेस के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों ने भी इसमें भाग लिया। जी हाँ दोस्तों, वैसे में देखने वाला ये होगा कि चाइना को कितना बड़ा झटका लगता है, क्योंकि दोस्तों चाइना अपने आप को एकल सेमीकंडक्टर उत्पादित कंट्री बताता है। दोस्तों, अगर अमेरिका ने इसका उत्पादन शुरू किया तो शायद 50% से भी अधिक का झटका चीन को लग सकता है दोस्तों, क्योंकि चीन के सारे दुश्मन देश अमेरिका पर शिफ्ट हो सकते हैं। आपकी जो भी राय हो कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्या चीन को तगड़ा झटका देना चाहिए दोस्तों अमेरिका के द्वारा, बताइएगा जरूर। आप लोग अगली खबर की बात करें, जहां पर नैन्सी पेलोसी ने चीन की अर्थव्यवस्था पर किया तंज, कहा डरे हुए गुंडे की तरह हरकत कर रहा है शी जिनपिंग। जी हां, अमेरिका की हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी चीन की धमकियों का दो टुक जवाब देते हुए कहा है कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के डरे हुए गुंडे की तरह व्यवहार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि शी जिनपिंग खुद की असुरक्षा के चलते इस तरह की धमकियां दे रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम धमकियों से डर जाएंगे और अपना शेड्यूल ही बदल लेंगे। जी हां, पेलोसी ने एक टीवी कार्यक्रम के दौरान कहा, अमेरिका में कांग्रेस के लोग चीन के हिसाब से नहीं चलेंगे। चीन ताइवान को अलग थलग करना चाहता है, लेकिन हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। चीन की अर्थव्यवस्था की ओर संकेत करते हुए कहा, मुझे लगता है कि चीन नाजुक स्थिति से गुजर रहा है। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर भारत के इस पड़ोसी देश यानी कि नेपाल को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की साजिश का पर्दाफाश। जी हां दोस्तों, धर्मांतरण के लिए विदेशों से आ रही है इसकी फंडिंग। जी हां दोस्तों, नेपाल को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की सबसे बड़ी चाल का खुलासा हुआ है दोस्तों। एक रिपोर्ट के मुताबिक नेपाल में कुल 24 इस्लामिक संगठन सक्रिय हैं दोस्तों, जो भारत और नेपाल के बॉर्डर इलाकों समेत पूरे नेपाल में मदरसे और मस्जिदों के निर्माण में यानी इनकी बिल्डिंग में लगे हुए हैं। जी मीडिया के पास इसका एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है दोस्तों, जिसके मुताबिक सभी 24 इस्लामिक ग्रुप्स को फॉरेन से हर साल करोड़ों रुपए की फंडिंग हो रही है। जी हां, इसके जरिए नेपाल में धर्म परिवर्तन कराने के अलावा नए मदरसे और मस्जिदें बनाई जा रही है। बहुत बड़ी खबर दोस्तों। रिपोर्ट के मुताबिक भारत से सटे नेपाल के तराई इलाकों में कुल 694 बोले तो 694 मदरसे और मस्जिद होने की जानकारी निकल कर सामने आई है, जिसमें दोस्तों 364 मस्जिदें और 330 मदरसे होने की इन्फॉर्मेशन है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 2 साल में कतर, पाकिस्तान और तुर्की से 500 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की फंडिंग नेपाल के मौजूदा कट्टर इस्लामिक संगठनों को की गई है। दोस्तों, भारत से भी एक इस्लामिक संगठन ने कुल मिलाकर 47 करोड़ रुपए की फंडिंग नेपाल में मदरसे मस्जिद बनाने के अलावा अन्य इस्लामिक गतिविधियों के लिए भेजी है। यानी कि दोस्तों, पूरे नेपाल को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की कोशिश ये सारे देश मिलकर कर रहे हैं दोस्तों। अगर ऐसा हो जाता है तो भारत के लिए इससे बड़ा खतरा कुछ नहीं हो सकता दोस्तों। ऐसे में अगर आप भी भारत का हस्तक्षेप मांगते हैं दोस्तों कि भारत को इस मुद्दे को सीरियसली लेकर के इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए और नेपाल को मुस्लिम राष्ट्र बनने से रोकना चाहिए दोस्तों, तो ये बात आप लोग कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा और वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां पाकिस्तान के बड़े टीवी चैनल पर शहबाज सरकार की बड़ी कार्रवाई प्रसारण पर लगाई रोक। जी हां, पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार ने देश के एक मशहूर चैनल
पर बहुत बड़ी कार्रवाई करते हुए उसके प्रसारण पर रोक लगा दिया है। इतना ही नहीं, इस चैनल के एक नामी पत्रकार को पुलिस द्वारा हिरासत में लिया गया है। बताया जा रहा है कि इस चैनल के ऊपर शहबाज शरीफ की टेढ़ी नजर काफी समय से थी और इस चैनल पर ये भी आरोप लगाए जा चुके हैं कि वो सिर्फ इमरान खान के समर्थन वाली खबरें ही दिखाती है। यानी कि दोस्तों शहबाज शरीफ की बौखलाहट अब आप समझ ही पा रहे होंगे। अगली बड़ी खबर की बात करें जहां अरुणाचल और नागालैंड में म्यांमार सीमा पार से गोलीबारी, असम राइफल्स का JCO घायल। जी हां दोस्तों, पूर्वोत्तर के दो राज्यों में मंगलवार भारत म्यांमार सीमा पर सुबह आतंकवादियों ने असम राइफल्स के शिविर पर हमले कर दिए दोस्तों। इसके बाद आतंकवादियों और सुरक्षा बलों ने जबरदस्त मुठभेड़ हुई। सुरक्षा बलों और आतंकवादियों में पहली मुठभेड़ अरुणाचल प्रदेश के पंगसो दर्रे में हुई, जबकि गोलीबारी की दूसरी घटना नागालैंड के नोक लाक जिले में घटी है। दोस्तों ये घटना पूर्वोत्तर के आतंकी संगठनों द्वारा स्वतंत्रता दिवस के बहिष्कार के आह्वान के कुछ दिनों में हुई। जी हां, जानकारी के मुताबिक आतंकियों ने मंगलवार सुबह अरुणाचल प्रदेश के चांगलांग जिले के तिराप इलाके में भारत म्यांमार सीमा पार से असम राइफल्स के जवानों पर गोलीबारी की गई। सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की, एक JCO के घायल होने की भी खबर है। ऐसे में दोस्तों उस भारतीय JCO को जल्द से जल्द ठीक होने के लिए गेट वेल सून जरूर कह दीजिएगा आप लोग। दोस्तों अगली खबर की बात करें जहां अमेरिकी बोस्टन शहर में मनेगा भारतीय आजादी का खास जश्न। 220 फुट लंबा ध्वज यानी झंडा जाएगा फहराया। जी हां दोस्तों, अमेरिका के बोस्टन शहर में भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ का जश्न एक खास ढंग से मनाया जाएगा। जी हां, इसमें 32 देश भाग लेंगे और शहर पर एक विमान से 220 फुट लंबा भारत अमेरिका का ध्वज फहराया जाएगा। जी हां दोस्तों, FIA न्यू इंग्लैंड के अध्यक्ष अभिषेक सिंह ने कहा है कि इस साल भारत की आजादी के जश्न समारोह में कई चीजें फर्स्ट टाइम होंगी। मैसाचुसेट्स के गवर्नर चार्ली बेकर ने इंडिपेंडेंस डे के 75 वर्षों को भारत दिवस घोषित किया है दोस्तों, जो 15 अगस्त को बोस्टन में इंडिया स्ट्रीट पर और इससे एक दिन पहले 14 अगस्त को रोड आइलैंड में स्टेट हाउस में मनाया जाएगा। बहुत बड़ी खबर। FIA ने कहा है कि अमेरिका के इतिहास में पहली बार 32 देशों के लोग भारत दिवस परेड में शामिल होने जा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इस अवसर पर पहले से रिकॉर्ड किया गया एक संदेश भेजा है। दोस्तों गोयल ने अपने संदेश में कहा कि भारत अमेरिका संबंधों ने लंबा सफर तय किया है, आज हम स्वाभाविक साझेदार हैं, हम दोस्त हैं और हम बहुत महत्वपूर्ण सहयोगी हैं। हमारी साझेदारी रणनीतिक बहुत गहरी और महत्वपूर्ण आयामों वाली है। इसमें आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, अमेरिका को थैंक यू जरूर कह दीजिएगा और एडवांस में हैप्पी इंडिपेंडेंस डे लिखना मत भूलिएगा। दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें जहां पर डूरंड लाइन के दोनों ओर बनाएंगे इस्लामिक अमीरात। जी हां दोस्तों, TTP का पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग। जी हां, तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने अपनी कमांडर की हत्या के बाद पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया है। TTP ने एक बयान जारी करके हाल ही में मारे गए अपने कमांडर उमर खालिद खुरासानी की जमकर तारीफ भी की है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में सक्रिय TTP ने बताया है कि शांति वार्ता के दौरान पाकिस्तान के हमले में 4 लोग मारे गए हैं। इस आतंकी संगठन ने पाकिस्तानी सेना के खिलाफ फिर से हमले शुरू करने का ऐलान कर दिया है। आज ही वजीरिस्तान में हुए आत्मघाती हमले में पाकिस्तानी सेना के 4 जवान मारे गए हैं। दोस्तों TTP ने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा है कि हम तथा कथित डूरंड लाइन के दोनों ओर इस्लामिक अमीरात की स्थापना करेंगे। जी हां दोस्तों, अगली बड़ी खबर की बात करें जहां पर इमरान खान पर कसा शिकंजा, देश द्रोह के आरोप में करीबी हुए गिरफ्तार। अब ब्रिटेन में पार्टी के खिलाफ हुई जांच शुरू। जी हां, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के एक करीबी सहयोगी को मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोस्तों उन्हें एक निजी टेलीविजन चैनल पर इंटरव्यू के दौरान कथित रूप से राजद्रोह संबंधी बयान देने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। इससे पहले चैनल के प्रसारण पर भी रोक लगा दी गई। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पार्टी के नेता शहबाज गिल ने सोमवार को ARY के एक समाचार कार्यक्रम में भाग लिया था और पूर्व प्रधानमंत्री को सेना के खिलाफ दर्शाने के लिए शहबाज शरीफ सरकार की तीखी आलोचना भी की थी। जी हां दोस्तों, बढ़ते अगली खबर की तरफ जहां श्रीलंका के बाद अब बांग्लादेश में पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतों के बाद विरोध प्रदर्शन, बड़ी मुसीबत में भारत का एक और पड़ोसी। जी हां दोस्तों, बांग्लादेश में पेट्रोल डीजल की कीमतों में जबरदस्त इजाफा हुआ है दोस्तों। इसके बाद से ही देश की हर गली में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। देश में ईंधन के दाम में 50% से ज्यादा का इजाफा देखा गया है। देश की
मीडिया की माने तो ये पहली बार है जब पेट्रोल डीजल के दाम इस कदर बढ़ाए गए हैं। दोस्तों श्रीलंका के बाद अब बांग्लादेश भारत का वो पड़ोसी है जहां पर इस तरह के विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। दोस्तों गुस्साए प्रदर्शनकारियों को फ्यूल स्टेशनों पर देखा जा सकता है। इनकी मांग है कि कीमतों में हुए इजाफे को तुरंत वापस लिया जाए। शुक्रवार को शेख हसीना की सरकार ने पेट्रोल डीजल के दामों में इजाफे का ऐलान किया था। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर नैन्सी की आड़ में ड्रैगन की बहुत बड़ी प्लानिंग। ताइवान ने कहा कि हम पर आक्रमण करेगा, हमको डरा रहा है चीन। जी हां, अमेरिकी हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बाद से ताइपे को लेकर चीन ने आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। तो वहीं ताइवान के विदेश मंत्री का कहना है कि चीन नैन्सी के बहाने ताइवान पर युद्ध थोपना चाहता है। आपको बता दें नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा से चीन अमेरिका और ताइवान दोनों से खासा नाराज नजर आ रहा है। दोस्तों ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ वू ने कहा है कि चीन नैन्सी पेलोसी की ताइवान यात्रा के बहाने देश पर हमला कर सकता है। चीन ताइवान जल डमरू मध्य में यथास्थिति को बदलने का लक्ष्य बना रहा है। जोसेफ वू ने मंगलवार को ताइपे में एक ब्रीफिंग में ये बात कही है। दोस्तों उन्होंने आगे चीनी सैन्य गतिविधियों को लेकर चिंता भी जताई और कहा कि बीजिंग आक्रमण भी कर सकता है। एक और खबर की बात करें जहां पर प्रधानमंत्री की रेस में शामिल ऋषि सुनक को मिला अमेरिका के भारतीय संगठन का सपोर्ट। कहा उनके मूल्यों सिद्धांतों ने जीता हमारा दिल। जी हां, अमेरिका में एक भारतीय संगठन ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद के लिए ऋषि सुनक का समर्थन किया है। अमेरिका में भारतीय मूल के लोगों के हितों की रक्षा करने वाले इस संगठन ने ऋषि सुनक के नाम पर अपना समर्थन इसलिए दिया है क्योंकि सुनक अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो वो ब्रिटेन में भारतीय मूल के पहले प्रधानमंत्री होंगे। रिपब्लिकन हिंदू गठबंधन ने कहा कि वे अगले ब्रिटिश प्रधानमंत्री के रूप में पूर्व चांसलर ऋषि सुनक का समर्थन करेंगे क्योंकि सुनक भारत के मूल्य और सिद्धांतों को अपनाते और बढ़ावा देते हैं। एक और खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर म्यांमार के राजदूत की चीन में हुई मौत। एक साल में चौथे ऐसे दूत जिनकी अचानक हुई मौत, मच गया हंगामा। चीन में म्यांमार के राजदूत यू मयो थांट का रविवार को देश के दक्षिणी पश्चिमी शहर कुनमिंग में निधन हो गया। यू मयो थांट 2021 के बाद से चीन में मरने वाले चौथे विदेशी राजदूत हैं। रॉयटर्स के अनुसार म्यांमार के विदेश मंत्रालय द्वारा सोमवार को एक सरकारी समाचार पत्र में राजदूत को दिए गए मूल्य लेख में उनकी मृत्यु का कारण नहीं बताया गया है। अगली खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप के लग्जरी बंगले पर FBI का छापा बढ़ सकती है मुश्किलें। जी दोस्तों, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के घर पर अमेरिकी एजेंसी FBI ने छापा मारा है। ट्रंप के फ्लोरिडा स्थित लग्जरी घर मारे लागो रिजॉर्ट पर सोमवार को FBI ने सर्च शुरू कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि FBI ने रिजॉर्ट में छापा मारा और तिजोरी तोड़ी है। अपने बयान में उन्होंने ये भी कहा है कि ये हमारे देश के लिए काला वक्त है क्योंकि डेमोक्रेट्स नहीं चाहते कि मैं 2024 में राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव की तैयारी करूं, इसलिए ऐसा हो रहा है। जी हां, दरअसल मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप पर आरोप है कि व्हाइट हाउस छोड़ते समय ट्रंप कई आधिकारिक दस्तावेज अपने साथ लेकर आए थे। इनमें से अधिकतर दस्तावेज सरकारी थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक FBI के कई एजेंट्स ने ट्रंप के घर को घेर लिया है और उनके घर की तलाशी ली जा रही है। मीडिया ने जब FBI के प्रवक्ता से इस बारे में सवाल पूछे तो उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। एक और खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर चीन में मिला नया वायरस जूनोटिक लांग्या। 35 केस मिले हैं इसके। जी हां दोस्तों, आखिर इंसानों के लिए कितना खतरनाक है ये। बता दे, कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ था कि चीन में एक और नया वायरस मिला है। दोस्तों ताइवान सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल के मुताबिक चीन में जूनोटिक लांग्या नाम का वायरस मिला है। इससे करीब 35 लोग भी संक्रमित मिले हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ताइवान इस वायरस की पहचान और संक्रमण को मॉनिटर करने के लिए न्यूक्लिक एसिड टेस्टिंग मेथड शुरू करेगा। जी हां, लैंग्या हैनी पावायरस चीन के शेडोंग और हेनान प्रांतों में पाया गया है। ताइपे टाइम्स के मुताबिक ये जानवरों में से इंसानों में फैल सकता है। एक और बड़ी खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर कोरोना को लेकर भारत से बड़ी खबर आ रही है जहां पर डरा रही है कोरोना की रफ्तार। दिल्ली में 24 घंटे में 2500 लोग हुए बीमार और 7 की हुई मौत। पॉजिटिविटी रेट पहुंची 15.41%। जी हां, राजधानी दिल्ली में एक बार फिर कोरोना संक्रमण के मामले बेकाबू रफ्तार से बढ़ रहे हैं। दिल्ली में मंगलवार को जहां कोरोना के करीब 2500 नए मामले सामने आए हैं तो वहीं एक दिन में 7 मरीजों की मौत हो गई है। दिल्ली में आज पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 15.41% पर आ गया है और कोरोना की एक्टिव केस भी बढ़कर 8500 के पार पहुंच गए हैं। एक और खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर नीतीश कुमार आज 8वीं बार
लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ। तेजस्वी यादव भी होंगे डिप्टी सीएम। जी हाँ दोस्तों, नीतीश कुमार 8वीं बार बिहार की बागडोर संभालने के लिए तैयार है। जेडीयू के नेता नीतीश कुमार बुधवार दोपहर यानी आज दोस्तों 2 बजे बिहार के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे होंगे, जबकि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बिहार के उप मुख्यमंत्री होंगे। जी हाँ दोस्तों, इसी से जुड़ी जो बड़ी खबर आ रही है, जहाँ पर एग्जिट प्लान जानते हुए भी बीजेपी ने क्यों नहीं की नीतीश कुमार से बात, ना उनको रोका ना उनको मनाया। जी हाँ दोस्तों, दरअसल भाजपा उनके इस कदम को धोखेबाजी के रूप में देख रही है दोस्तों। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि ये उनकी बार बार साथी बदलने की आदत के चलते वो अपनी विश्वसनीयता भी खो चुके थे। सिर्फ इतना ही नहीं, भाजपा को नीतीश के हर कदम की जानकारी थी, उसे पता था कि नीतीश साथ छोड़कर जाने वाले हैं। इसके बावजूद भाजपा की तरफ से ना तो उन्हें रोकने की कोशिश हुई, ना ही मनाने का जतन किया गया। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि दल बदलुओं को कितनी बार आदमी मनाएगा दोस्तों, और भाजपा ने बिल्कुल सही किया है नीतीश कुमार को ना टोक कर ना मना कर दोस्तों, तो ये बात आप लोग कमेंट में जरूर लिख कर बताइएगा। और इस दल बदलू नीतीश कुमार को लेकर आपकी जो भी राय हो दोस्तों, सुझाव जरूर दीजिएगा। आप लोग देखते हैं क्या कहती है भारत की जनता। और ऐसे में दोस्तों, आप लोग भारतीय जनता पार्टी को बिहार के लिए क्या सजेशन देना चाहेंगे फ्यूचर के लिए, ये भी अवश्य लिख दीजिएगा दोस्तों। साथ ही आपको बता दें, जहां बीजेपी ने नीतीश को याद दिलाया 1995 से अब तक का इतिहास खोल कर रख दिए, किए गए सारे एक एक एहसान। जी हाँ दोस्तों, पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नीतीश कुमार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं दोस्तों। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जी हमें छोड़कर चले गए, और कहा कि बीजेपी उनकी पार्टी को तोड़ने का काम कर रही थी, इसलिए नीतीश जी आज से मुझे कुछ सवाल पूछना है। पहला सवाल, आप हमारे साथ कैसे और क्यों आए थे? आपको याद है आपने लालू जी को छोड़ा था जब हम लोग चारा घोटाले की लड़ाई लड़ रहे थे, याद है ना? आपने समता पार्टी बनाई थी, बीजेपी के साथ आने की आपकी वो पहली यात्रा थी। माननीय नीतीश कुमार जी आज सांप्रदायिकता की बात करते हैं, तो मैं आपको बताऊं कि उस वक्त राम जन्मभूमि का आंदोलन पीक पर था। और भी बहुत कुछ कहा दोस्तों इन्होंने, यानी कि रविशंकर प्रसाद जी का कहना था दोस्तों नीतीश कुमार को घेरते हुए कि जंगल राज लूट भ्रष्टाचार की बात करके ही आप भाजपा के पास आए थे, और आज उसी जंगल राज लूट और भ्रष्टाचार की ओर चले गए। ऐसे में दोस्तों, आपकी जो भी राय हो और रविशंकर प्रसाद जी के बात का आप समर्थन करेंगे, हाय ना में जवाब जरूर दीजिएगा दोस्तों। अगली बड़ी खबर की बात करें, जहां पर सीएनजी वाहन चलाने वालों के लिए बड़ा ही अलर्ट, दिल्ली में बुधवार को बंद रहेगी सप्लाई। जी हां, अगर आप सीएनजी वाहन का इस्तेमाल करते हैं और दिल्ली में रहते हैं दोस्तों, तो ये खबर आपके लिए है। आप यानी कि बुधवार 10 अगस्त को अगर आप घर के बाहर जाना चाहते हैं यानी आज, तो सीएनजी पंप पर ना जाए, क्योंकि आज राजधानी में सीएनजी मिलना मुश्किल हो सकता है। दिल्ली पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन ने 10 अगस्त को सीएनजी बिक्री को बंद करने का ऐलान किया है। जी हां दोस्तों, और इसी बीच ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी दोस्तों? आशा करता हूं बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो का भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।